अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 93 पर आ जाएं। आपने टाइप्स ऑफ स्पीड तक पढ़ लिया था। हमने बात की थी कि स्पीड की तीन टाइप्स होती हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड। अच्छा, अब हमने जो है वो आज इन्हें डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले है यूनिफॉर्म स्पीड, तो आपने इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लेना है, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। जैसे आपके स्कूल का यूनिफॉर्म है तो उसे यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? होते तो वो कपड़े ही हैं, क्यों यूनिफॉर्म बोलते हैं उन्हें? क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। तो आप सब के जो कपड़े आपने पहने होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक कलर के होते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्पीड का भी क्या मतलब होगा? जो एक जैसी रहेगी। यानी अगर एक गाड़ी जो है वो कहीं जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है तो वो उसकी स्पीड उतनी ही रहे। कि उमर जैक से लाला मूसा तक कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी स्पीड 40 ही रहे, ना 40 से ऊपर हो, ना 40 से कम हो, ना 40 से ज़्यादा हो। तो जब 40 ही रहेगी, या जितनी भी 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, लेकिन चेंज ना हो। अगर 40 है तो 40 रहे, अगर 50 है तो 50 रहे। तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन का ज़रा निशान लगा लें। आपने इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करनी है एन एन ऑब्जेक्ट से। इफ़ काट दें, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। के कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से यहाँ क्या मुराद है? ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी गाड़ी वगैरह, ठीक है, जो ट्रेवल करती है, जो फासला तय करती है, सेम डिस्टेंस, एक जितना फासला, इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, एक जितने वक्त के वक्फे के अंदर। कि अगर जो है वो, फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में भी जैसे मिसाल दी हुई है कि अगर कोई गाड़ी पहले घंटे में 70 किलोमीटर का फासला तय करती है तो दूसरे घंटे में भी 70 किलोमीटर का फासला तय करेगी, तीसरे घंटे में भी 70 किलोमीटर का फासला तय करेगी। यानी उसका जो है वो स्पीड में जो है वो कोई चेंज नहीं आ रहा, वो स्पीड उतनी की उतनी रह रही है। तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। आपने इस क्वेश्चन के साथ जो है ये ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ को किस तरह बनाना है? यहाँ आपने जो है वो एक लाइन लगानी है और इस लाइन पर लिख देना है स्पीड। यहाँ नीचे एक लाइन लगानी है, इस पर लिख देना है टाइम। और ये जो लाइन है ये यूनिफॉर्म स्पीड को जाहिर कर रही है। कैसे? ये जो सीधी लाइन है ये हमें बता रही है कि जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। स्पीड अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 40 थी तो वो 40 की 40 ही है, वो उतनी की उतनी, बिल्कुल सीधी लाइन जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये जाहिर कर रही है कि स्पीड उतनी की उतनी है, चेंज नहीं हो रही है। आगे हमारे पास दूसरी टाइप है स्पीड की, वेरिएबल स्पीड। तो आपने यहाँ क्वेश्चन लिख देना है डिफाइन वेरिएबल स्पीड। अच्छा, वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का मतलब होता है तब्दील होता रहे, जो एक जैसा ना हो, जो बार बार चेंज होता रहे, तो उसे कहते हैं वेरिएबल। तो अगर कोई गाड़ी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसकी स्पीड अगर बार बार चेंज हो रही है, कभी वो तेज़ स्पीड में चलती है, कभी आहिस्ता स्पीड में चलती है, तो उसे बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। ठीक है, जैसे कि पहले जो है वो 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो चल रही थी गाड़ी, थोड़ी कोई एक घंटे बाद जो है वो 50 की स्पीड से चलना शुरू हो गया है, या थोड़े थोड़े टाइम बाद बार बार जो है वो उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। वेरिएबल का मतलब ही चेंज होना है, तो बार बार स्पीड चेंज हो रही है तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। इसकी आप डेफिनेशन कैसे करोगे? अ कार ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अ कार, यहाँ तक आपने करना है, यहाँ से आपने अ कार ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। कि अगर कोई कार, ट्रैवल का मतलब है तय करती है, डिफरेंट मुख्तलिफ डिस्टेंस, फासला, इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, के उसी वक्त के वक्फे के अंदर, लेकिन स्पीड बार बार चेंज हो रही है। जैसे अगर किसी कार की जो है वो पहले घंटे में स्पीड 55 किलोमीटर है, अगले घंटे बाद उसकी 64 किलोमीटर हो जाती है, अगले घंटे बाद उसकी 75 किलोमीटर हो जाती है, तो उसकी स्पीड जो है वो जब बार बार चेंज होगी तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। इसमें आपने ये वाला ग्राफ बनाना है। ये वाला ग्राफ आपने किस तरह बनाना है? इसी आपने नीचे उसी तरह टाइम, और यहाँ आपकी डिस्टेंस आ सकता है या स्पीड भी आ सकती है। अच्छा, अब यहाँ जो है ये लाइन इस तरह से आपकी बुक में बनी हुई है। ये लाइन क्या जाहिर कर रही है? कि स्पीड बार बार चेंज हो रही है, कि पहले उसकी स्पीड ज़्यादा हुई, फिर वो मतलब एक ही स्पीड, कांस्टेंट स्पीड रही, एक जैसी स्पीड रही, उसके बाद जो है स्पीड एकदम से ज़्यादा होगी। यहाँ से कम भी हो सकती थी, ज़्यादा भी हो सकती थी, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह का मर्ज़ी ग्राफ बना सकते हैं, यूँ बना लें बेशक, ठीक है, लेकिन आपने बताना है कि कांस्टेंट एक जैसी नहीं है, बार बार जो है वो चेंज हो रही है। अगर वो यूनिफॉर्म थी तो उसमें बिल्कुल सीधी लाइन बनाई, कि उसका मतलब था कि ये चेंज नहीं हो रही है, एक ही जगह पे बिल्कुल उसी हिसाब से चल रही है। यहाँ पे बार बार जो है वो चेंज हो रही है। तीसरी टाइप है स्पीड की, एवरेज एवरेज स्पीड। यहाँ आपने क्वेश्चन बनाना है डिफाइन एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज जो है इसका लफ्जी मतलब होता है औसत। अब कोई गाड़ी जो है वो चल रही है, उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 40 थी, थोड़ी 10 मिनट बाद उसकी 50 हो गई, 10 मिनट बाद उसकी 60 हो गई, बार बार उसकी स्पीड चेंज हो रही है। अब हमें नहीं पता कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए उसकी जो है वो नॉर्मल या एवरेज स्पीड क्या है, कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, हमें नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो वो अगर हमने निकालनी है तो वो हम कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं कि जितना भी फासला तय किया होता है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। कि आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहती हूँ उमर चक से लाला मूसा तक
10 किलोमीटर का फासला तय किया है और आपने तय किया है 30 मिनट में, तो अब आप उस स्पीड कैसे निकालोगे? आप 10 को 30 पे तकसीम कर दोगे, जो जवाब आएगा आपकी स्पीड निकल आएगी। तो ये है कि आप जितना भी टोटल डिस्टेंस है उसे आप टोटल टाइम पे डिवाइड कर लेते हो, तो आपके पास जो है वो एवरेज स्पीड आ जाती है। तो इसका आपने कहाँ से लिखना है, दी एवरेज स्पीड, यहाँ से आपने शुरू करना है, दी एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय टोटल डिस्टेंस, एन काट दें, ऑब्जेक्ट काट दें, कवर काट दें, कवर्स तक काट दें, बाय द टोटल टाइम, यहाँ तक आपने करना है। और इसका फार्मूला आपने लिखना है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, बटा यानी ओवर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ये भी आपने करना है, एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड आपकी क्या है, एवरेज कहते हैं उसको, तो वो स्पीड जो कि कैलकुलेट की जाती है, कैलकुलेट का क्या मतलब है, जो हासिल की जाती है या निकाली जाती है, कैसे, टोटल जितना भी आपका डिस्टेंस है, फासला है, उसे आप डिवाइड करोगे टोटल टाइम से। तो बस आपने इतनी चीज़ याद रखनी है, बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम किसके बराबर है, एवरेज स्पीड के। यहाँ तक आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, ये आपने अपनी नोटबुक्स पर लिखने भी हैं और इन्हें याद भी करना है, रोज़ का काम रोज़ करना है। आप जब भी इंशाल्लाह मंडे को जब आप स्कूल आएंगे तो ये आपका काम सारा नोटबुक पे लिखा होना चाहिए, और जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे ये आपको याद होने चाहिए, ताकि आपका मंडे को अगर आप आएंगे तो आपका टेस्ट होगा तमाम सवालों का।